जब से मैंने JTTTP को स्टार्ट किया तो तब से मैंने देख रही थी, जो पहले भी मुझे इंट्यूशन पूरा हो जाता था, बट ये कहानी के बाद मुझे जो भी इंट्यूशन आ रहा है वो बहुत जल्दी जल्दी फुलफिल हो रहा है। मैं ये मेडिटेशन करने के बाद बहुत देखा ये चीज़ को। नमस्ते, मेरा नाम आशिमा है। मैं एक भुवनेश्वर ब्लेसिंग टीम से बोल रही हूँ। ऐसे तो मैं कलकत्ता से हूँ, मैं बंगाली फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और मेरा बचपन का जो गुजरा वो मैं थोड़ा बताना चाह रही हूँ। मेरा जब जन्म हुआ तो एक दुखदायी एनवायरनमेंट था उस टाइम। सबका ज़िंदगी में बहुत खुशी होता है जब वो दुनिया में आता है, बट मेरा ज़िंदगी थोड़ा अलग ही था। मैं जब आई दुनिया में तो सब लोग रो रहे थे, क्योंकि मेरे भाई की डेथ होने के बाद मैं दुनिया में आया, तो ये मेरा मम्मी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। तो बहुत दिन तक मुझे ऐसे ही मम्मी साइड में रख देती थी, दूसरे लोग मुझे देखभाल करते थे, मेरे दादा दीदी वो लोग देखभाल करते थे। तो फिर मेरे बाबा मेरे मम्मी को बोले जे वो तो लक्ष्मी आया, उसको आप अच्छी तरह एक्सेप्ट करो। तो धीरे धीरे उसके बाद मम्मी मेरे को एक्सेप्ट किया, फिर मेरा ज़िंदगी अच्छे से चलते गया। हमारा जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी योगानंद जी है, उन्हीं का स्कूल था वो। वो स्कूल का नाम था योगा द सत्संग सोसाइटी कन्ना विद्यालय, YSS कन्ना विद्यालय। तो वहाँ पर मैं गई, मैं कितना मतलब 11th में जब मेरा एडमिशन हुआ तो मैं 6 मंथ्स के बाद एडमिशन हुआ। तो वहाँ का जो प्रिंसिपल है उन्होंने क्या बोला मेरे भाई को, जो ये लड़की इधर नहीं मतलब क्वालिफाई कर पाएगी क्योंकि इन्होंने इतना देर से आई। तो फिर भी मेरे को उधर ले लिया एडमिशन वो योगानंद जी का स्कूल में। फिर क्या हुआ, मैं 12th में अच्छे से पास हो गई, मैं उतना लेट जाके भी। तो ये एक अच्छा मुझे वो गुरु का स्कूल था, योगानंद जी का स्कूल। वो स्कूल में मैं थोड़ा जानती थी, एनवायरनमेंट ऐसा था, डेली उधर जाके ओनली प्रेयर करती थी। वो योगानंद जी कौन है क्या है ये मैं नहीं जानती थी, ओनली उनका एक फ़ोटो मुझे मिला था। मैं हमेशा वो फ़ोटो को देखती थी और प्रणाम करके चली जाती थी। बट उस टाइम से मेरा ज़िंदगी में मतलब एक एक मिराकल होते जाता है, मतलब मैं गुरु को देखता था और मेरे काम हो जाता था। तो ऐसा कर करके उसके मतलब अच्छे से हो जाता था मेरे काम। जब से मैंने JTTTP को स्टार्ट किया तो तब से मैंने देख रही थी, जो पहले भी मुझे इंट्यूशन पूरा हो जाता था, बट ये कहानी के बाद मुझे जो भी इंट्यूशन आ रहा है वो बहुत जल्दी जल्दी फुलफिल हो रहा है। मैं ये मेडिटेशन करने के बाद बहुत देखा ये चीज़ को। और मेडिटेशन करने के बाद मुझे तो ये भी बहुत आया, पेशेंस पहले मुझे बिल्कुल ही नहीं था, अभी वो भी डेवलप हुआ। जैसे कितना बड़ा भी हालत हो जा रहा है तो भी मैं थोड़ा काम रह रही हूँ शांति से। जैसे ये लॉकडाउन पीरियड में मेरे जीजा जी का डेथ हो गया तो मैंने अच्छे से हैंडल कर लिया, मैंने रोया भी नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे ये जो ज्ञान मिला डेली सत्संग से और ये ध्यान से, तो वो मुझे काम आया। और मेडिटेशन में मैं कुछ देखती नहीं हूँ, मेरे को कुछ भी कभी दिखाई नहीं देता है, बट मैंने वो एक एनर्जी को फील करती हूँ। जैसे मैं
कुछ भी सोचती हूँ वो तो मेरे को 100% हो ही जाता है। तो मुझे लगता है जो एक एंजल मेरे पास हमेशा रहता है वो मैं फील करती हूँ। और जटी दीदी के बाद मैंने वो भी देखा, वो जो बटरफ्लाई है ना मेरे पास आके फिर घूम के चला गया। ऐसे बहुत बार होता है, बटरफ्लाई आ रहे हैं मेरे पास और देख के चले जा रहे हैं। तो मुझे उसी टाइम फील होता है, मैंने वो एनर्जी को महसूस करती हूँ। उस दिन मैं मेडिटेशन करने के टाइम और एक हुआ, जैसे मैंने योगानंद जी का बुक के बारे में देखा, तो उसके बाद ही मैं घर आई वो एनर्जी महसूस करने के बाद। फिर मैंने देखा एक बटरफ्लाई हमारे बालकनी में आके मेरे सामने से ऐसे करके चले गए। तो इमीडिएट मैं उनको बोली, आप यहाँ भी आ गए क्या हमारे बालकनी में? मतलब मुझे वो महसूस होता है वो एंजल मेरे आस पास घूम रहा है, ये हमेशा मैं देखती हूँ। मैं बुक पढ़ने का जो बोली मैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, मैं आधा कंप्लीट कर दिया। ऐसे मैं बिल्कुल अच्छी स्टूडेंट नहीं हूँ, फिर भी मुझे ये इंटरेस्ट बहुत आ रहा है पढ़ने का भी, वो बुक में क्या है मैं जानूँ। क्योंकि वो बुक में मैंने जब पढ़ रही हूँ तो देखा योगानंद जी, पहले मैं बताया वो लाहिड़ी महाशय का स्टोरी जो है, उसके बाद वो उमा दीदी के साथ जो उनका एक स्टोरी हुआ था वो पतंग का, वो पतंग उन्होंने कैसे दूसरा पतंग को भी ला के दिखा दिया उमा दीदी को। फिर योगानंद जी का हाथ में एक बार वो फोड़ा मतलब जो बॉयल होता है वो फुंसी वो भी उन्होंने बोला और हो गया नेक्स्ट दिन। तो मैं ऐसा मतलब अभी जब वो बुक पढ़ रही हूँ तो मुझे लग रहा है आज से नहीं, योगानंद जी तब से मेरे पास वो एनर्जी मुझे भेज रहे जब से मैं उनका स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। तो वो कितना साल हो गया, ऑलमोस्ट 30 ईयर्स हो गया। तो मुझे उस टाइम से जब भी मैं ये फ़ोटो को देखती थी तो मेरे को काम हो जाता था। उसके बाद मैं जय भगवान जी के पास आया तो मुझे लगता है उन्होंने मुझे गुरु के पास भेजा था। फिर मैं भुवनेश्वर आई, भुवनेश्वर आने के बाद मैं एक साल ऐसे ही बैठी रहती थी, मेरा बुटीक एनजीओ सब छोड़ के मैं आई थी हैदराबाद से, तो मैं थोड़ा मायूस रहती थी। फिर अचानक एक दिन सारिका जी आया और मुझे बोली हम इधर मेडिटेशन क्लास कंडक्ट कर रहे हैं आप आइए। फिर मैंने क्या किया, उन्होंने जो पैम्पलेट दिया था वो पैम्पलेट में ऐसे ही रख दिया एक साल तक। उसके बाद एक साल के बाद मैंने मेडिटेशन ज्वाइन किया। तो मेडिटेशन ज्वाइन करने के बाद तो बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ मुझे। वो सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ, मेरा गुस्सा कम हो गया, बहुत सा कम हो गया, और मेरे को बुक पढ़ने का भी अभी बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। मुझे भी लग रहा है मैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी का जो ऑडियो होता है मैं वो भी करूँ, मैं दुनिया को बोलूँ वो बुक में क्या है और सबको बोलूँ मेडिटेशन करो। मेरे को और एक एक्सपीरियंस हुआ था, मैं मेडिटेशन 3 महीना सीखने के बाद ही मैंने मेरे घर में कॉन्टैक्ट कर लिया था क्लासेस। वहाँ पर मैंने 25 स्टूडेंट को बुलाया था कीट कॉलेज से और वो लोग मेरे घर आया, मैं उनको सबको सिखा दिया था मेडिटेशन। मैं 3 महीने के बाद ही सीखने के बाद कुछ भी डर नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, मुझे ऐसा आया भी नहीं जो मैं सिखा पाऊँ कि नहीं, ऐसा नहीं, मुझे फुल कॉन्फिडेंस के साथ मैंने वो लोगों को सिखा दिया था। तो वो लोग भी कर रहे हैं मेडिटेशन। तो हाँ वही अभी मैसेज के साथ एंड कर, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी जो सभी लोग मेडिटेशन करें, मेडिटेशन का बहुत फ़ायदा जो मुझे मिला है औरों को भी मिलना, मैं भी सिखाऊँगी और लोगों को। तो नमस्कार सबको, मेरा नमस्कार, थैंक यू सो मच।